दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि आप अपना ऑनलाइन पैन कार्ड किस तरीके से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वही पैन कार्ड आपका जब बन जाएगा तो आप उसे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारी आज की वीडियो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों ऑनलाइन पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने गूगल ब्राउजर पर आना है और यहाँ पर लिखना है NSDL ई पैन डाउनलोड। ये लिखने के बाद में दोस्तों जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद में दोस्तों आपके सामने में पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला है एक्नॉलेजमेंट नंबर और दूसरा है पैन नंबर। तो फिलहाल तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर से पैन कार्ड किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है। अगर आपको ये भी सीखना है कि पैन नंबर से किस तरीके से पैन कार्ड डाउनलोड किया जाता है तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हम यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे। दोस्तों ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपकी स्लिप में लिखा होगा, नहीं तो आपके फ़ोन पर मैसेज भी आया होगा जब आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे हमारा मंथ ऑफ बर्थ लिखना है जो कि हमारी स्लिप में लिखा होगा दोस्तों, जैसा कि हमने पैन कार्ड बनाते टाइम दिया था, और यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हमें नीचे कैप्चा फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमारी पैन कार्ड की जो भी डिटेल है वो यहाँ पे सामने में दिखाई दे जाएगी, जैसे कि हमारा पैन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और ईमेल आईडी वो हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए OTP सेंड करना पड़ेगा, और OTP सेंड करने के लिए हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम ईमेल पे OTP सेंड करना चाहते हैं या मोबाइल नंबर पे OTP सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ ईमेल आईडी पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ हमें नीचे आई हेयर वाई पे क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ नीचे हमें जनरेट OTP पर क्लिक करना है। अब हमारी ईमेल पे एक OTP गया होगा, वो हमें OTP यहाँ पे फिल करना है। OTP आने में थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो OTP फिल करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए सामने में दो लिंक मिल जाते हैं। सबसे पहला हमें PDF का लिंक मिल जाता है और दूसरा हमें XML का लिंक मिल जाता है। तो हम यह डाउनलोड ई पैन PDF इस पर क्लिक करेंगे और हमारा पैन कार्ड डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर में PDF में डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और हमारा पैन कार्ड ओपन करते हैं। तो ये जो PDF होगा ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा दोस्तों, ठीक है, और इसका जो पासवर्ड होगा वो होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ है। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1993, तो आपको यहाँ पे 01011993 ये लिखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पैन कार्ड है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं ये पैन कार्ड हमारा डाउनलोड हो गया है। आप इसको चाहे तो प्लास्टिक कार्ड पे प्रिंट निकलवा सकते हैं, नहीं तो कलर पेपर पे प्रिंट करवा के इसे लेमिनेशन भी करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ये अगर आपने न्यू पैन कार्ड अप्लाई किया है या फिर पैन कार्ड में करेक्शन किया है, दोनों केसेस में ये तरीका काम करेगा दोस्तों। आपको दोनों केसेस में इसी तरीके से पैन कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी दोस्तों। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ में मेरे चैनल पर इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।